आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव होता है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव का मान कितना होता है। पहला विकल्प है 2.0 वोल्ट, दूसरा है 1.5 वोल्ट, तीसरा है 0.0 वोल्ट और चौथा है 1.229 वोल्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों यदि हम बात करें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल की यदि बात कर रहे हैं तो देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का संदर्भ इलेक्ट्रोड है। ये क्या होता है दोस्तों, संदर्भ इलेक्ट्रोड की श्रेणी में आता है इलेक्ट्रोड, ठीक है, संदर्भ इलेक्ट्रोड की। तो संदर्भ इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका मान जिसका इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से निर्धारित किया जा सके, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी के अनुसार संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल को चुना गया जिसका विभव स्वेच्छा से शून्य चुना गया, ठीक है, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल को ही हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE द्वारा भी दर्शाते हैं दोस्तों। और इसका मान SHE का मान स्वेच्छा से शून्य चुना गया, ठीक है। तो इसका कितना होता है, 0.0 वोल्ट इसका मान होता है, ठीक है। तो दोस्तों SHE के अलावा कैलोमोल इलेक्ट्रोड व सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को भी संदर्भ इलेक्ट्रोड रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यदि बात करें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तो ये क्या होता है, ये एक आयतकार प्लेटिनम का पत्र होता है जो कि मरकरी से भरी कांच नालिका में व्यवस्थित प्लेटिनम के तार से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, अर्थात इसका मान स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय परिपाटिका के अनुसार 0.0 वोल्ट निर्धारित किया गया है। तो क्या होगा हमारा उत्तर दोस्तों, तीसरा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।